लेडीज एंड जेंटलमैन, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी वो ओल्ड लेडी जिसे सब कहते थे नानी। जेंटलमैन, नानी हूं मैं। इस औरत का फोटो तो मैंने यूं ही दिया था, ये सच में कहां से आ गई? चमको मेरी नातिन, मेरी लाडो, कैसी है तू? कैसी है आप? मेरी लाडो, तेरे बगैर बस सांसें आ जा रही थी। अब ये घर देख के लगता है जिंदगी जीने का असली मजा तो अब आएगा। नानी हूं मैं। ये नानी नहीं मिली ना, अब तो तुझे चमकू भी नहीं मिलेगी। कहाँ मिली है? अरे मंदिर के बाहर। भीख मांग रही थी? अरे नहीं चमकू, तुम भी कमाल कर रही हो, भीख क्यों मांगेगी, शूटिंग देख रही थी। अब कहाँ मिली, कैसे मिली, उसे क्या फर्क पड़ता है, मिल तो गई। हाँ। और वो भी आज उनके बर्थडे के दिन। अंधेरा, हाँ, हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू है। और आज बर्थडे की खुशी में मैं केक भी लाया हूँ, सब मिलके आज केक काटेंगे। और तू अपनी बाकी की जिंदगी चमकू को भाभी भाभी बोल के काटने की आदत डाल ले। नहीं, मैं केक नहीं खाता। अरे आप इसे क्या खिला रही हैं? आप जरा अपनी प्यारी चमकू को खिलाइए। चमकू ने अगर मुझे आपकी फोटो नहीं दी होती तो मैं आपको ढूंढ कैसे पाता, और यहाँ पर आपकी फिर बर्थडे भी नहीं मन रही होती। नानी चमकू को खिलाइए। सॉरी ले बेटा, डाइट कॉन्शियस। नानी आप मेरे साथ कमरे में चलिए ना, इतने सालों के बाद मिल रहे हैं, कुछ बातचीत कर लेते हैं। रुक तो सही, आधा केक तो खा लूं। पूरा केक आप ही का है नानी, आप मेरे साथ चलिए, पहले चलिए चलिए, बचा के रखियो। आ रही हूं, आ रही हूं मैं अभी। इधर ही है केक नानी। लो भाई, मेरी जीत और अपनी हार की खुशी में तू भी केक खा ले। ठीक है यार, मत खा, हम खा लेते हैं। अच्छा हाइडे, जिंदा हूँ, मगर गोगुल मैं तुम्हारी कुर्सी पे और ज्यादा नहीं बैठ सकता हूँ। क्यों, हमारा कुर्सी से कील निकल गया है? अरे कीला नहीं निकला है, आंसू निकल आए हैं। कमिश्नर की एक्टिंग करते करते मैं बावला हो जाऊंगा। अभी मालूम पड़ा कमिश्नर बनना कितना मुश्किल है? अरे कमिश्नर बनना इतना मुश्किल नहीं है, गोगोल बनना मुश्किल है। इतना तो भिखारी ही हाथ नहीं फैलाता है जितना तुम अपनी जिंदगी में रायता फैला के गया है। ऊपर से नीना, नीना जी बोल, नीना जी। जी जी जी, नीना जी एक तरफ और एक तरफ शन्नो, वो शन्नो की तरफ ठीक है, नीना जी की तरफ सोचता भी नहीं। अरे मैं किसी की भी तरफ सोचता नहीं हूँ बाबा, ऊपर से वो बोस मेंढक की शक्ल वाला भेड़िए की तरह मेरे को घूरता रहता है। कितना शक करता है मेरे पे वो यड़ा। डोंट वरी डोंट वरी, वो उसका ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको खाली दो बार बोस करके बोलो सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, आप तो मैं तीन बार फिश फ्राई मंगाओ उससे, सब एकदम कड़क हो जाएगा। डोंट वरी, ठीक भाई जल्दी आ जा, अपना ये थिएटर संभाल ले। अरे हम नहीं आ सकते अभी, हम इधर अफ्रीका के जंगल में आए। जंगल में बंगल बना रहे क्या? झूठ बोल रहा है, मेरे को मालूम तो गोवा में मछलियां बता रहा है। अरे बाबा तुमको विश्वास नहीं हमारा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो अपने पूर्वजों के यहाँ कैसे पहुंच गया? एक लंबा कहानी है हरी, ये कहानी हम तुमको बाद में बताएगा, अभी इनके साथ हमको शिकार पे जाना है। ठीक है, क्या खेल रही है?
खेल खेल तो तूने खेलना शुरू किया बच्चे। मैं तो सिर्फ एक अच्छे प्लेयर की तरह खेलने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तुझे कभी सिखाया नहीं किसी ने कि अपनी से बड़ी उम्र की औरत के साथ कैसे पेश आया जाता है? नहीं, लेकिन झूठे और मक्कार के साथ कैसे पेश आया जाता है ये जरूर सिखाया। झूठी और मक्कार मैं? अरे एक नंबर की झूठी और मक्कार तो तू है। हाँ? मैं और नहीं तो क्या। अरे इंस्पेक्टर को तूने तो बोला कि मैं तेरी खोई खोई नानी हूँ जिसके बगैर तेरा दिल नहीं लग रहा। अब वो खेल खुद पे भारी पड़ रहा है तो मचल रही हो। हाँ ठीक है, मैं अभी मानव को सब सच बता देती हूँ। मानव किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, समझी? नानी आप मुझे आवाज दे रही थी। हाँ वो मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें एक सच बता दूं। सच? कैसा सच? कि तूने बहुत अच्छा किया मुझे मेरी नातिन से मिलवा के, इसकी याद में मैं दिन रात तड़पती थी। अरे अब मैंने सोचा है कि मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, अपने प्यारे नातिन के साथ यही रहूंगी। अब अगर तूने यहाँ से मुझे भगाने की कोशिश की ना तो मैं इसे सब सच बता दूँ। सोच ले मेरा बच्चा। अगर आप कहीं जाने की कोशिश भी करेंगे ना तब भी हम आपको जाने नहीं देंगे, बीच रास्ते से उठा लेंगे। हाय हाय आप दोनों का ये प्यार देख के ना मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। नानी मेरे साथ चलिए ना, आपको किसी और से भी मिलवाना है। किससे? सरप्राइज है, ऐसे नहीं बताऊंगा, चलिए। ओह आई लव सरप्राइज, ले जाऊं ना? चलो चलो आइए आइए। अरे यार लस्सी बनानी थी ये तो रायता बन गया जो बहुत जल्द फैलने वाला है। सर हाँ देखिए आपसे कौन मिलने आया है। कौन है? अरे सर मैं, अरे मैं लेकर आता हूँ। अच्छा बुलाओ बुलाओ अंदर बुलाओ। हाँ अरे आइए ना। अरे कहाँ गए? ए ए ए अरे देखिए सर। आइए 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 बैठिए। क्या केस है आपका? सर केस केस क्या सर, पहचानिए। आपको कहीं देखा मैंने? कहाँ देखा है? देखा है क्या सर? आपकी माँ। माँ? आपकी माता जी आई है। बेटा माँ बेटा क्या मामू नानी क्या मामू, ऐसे तो नानी की तस्वीर आप जेब में लेके घूमते रहते हैं और सामने आ गए तो पुलिस पुलिस खेल रहे। हाँ क्या कर गले मिलिए अलग अलग पार्लर में जाती रहती हूँ, अब मुझसे पार्लर से आई बिल्कुल पहचान ही नहीं पाया। इतने दिनों से कहाँ थी माँ तू, मैं तुझे कितना याद करता था। हाँ मुझे पता है तू मुझे बहुत याद करता होगा गोगोलू। हाँ बचपन से तेरी याददाश्त बहुत कमजोर थी, पता है दो का पहाड़ा ये दो दिन में नहीं, दो महीने में नहीं, दो साल में भी याद नहीं कर पाया था मेरा गोगोलू। मुझे सुंदरी ने कहा कि अंदर एक अम्मा जी आई है। अम्मा जी ये लीजिए। ठीक है आज आपकी नानी जी यानी कि कमिश्नर साहब की माता जी की बरसी है ना, इसीलिए मैं बूढ़ी औरतों को मैं साड़ियां बांट रहा हूँ, तो एक इनको भी दे दी। क्या हुआ दादा अब रो क्यों रहे हो? मेरी माँ मुझे बहुत याद आ रही है। भाई तेरे कान के नीचे दे दूं मैं? कमाल की बात कर रहा है यार, सर की माता जी यहाँ सामने खड़ी है। हाँ? ये तो माता जी है। अरे आज इनका जन्मदिन भी है, बर्थडे बताया था मैंने तुझे बोस। क्या लेकिन कमिश्नर साहब ने तो मुझे कहा था कि आज ही के दिन उनकी माता जी गुजर गई थी। सर आपने ऐसा कहा? अरे गुजर गई थी, मार्केट से गुजर गई थी ना, उसके बाद लापता थी। क्या भोजपुरी बात सुना करो ना सर की, वरना सर नौकरी से निकाल देंगे तुम्हें।
ये कमिश्नर साहब आजकल क्या कहते हैं क्या करते हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ तो गोंडगोल है। क्या सोच रहा है तू? कुछ नहीं सर, अब सोच रहा हूँ कि अब मैं इन साड़ियों का क्या करूँ। इनको पहन के नाच लेके जा, बेकार साड़ियाँ लेके घूम रहा है। चलिए नाली, आप भी चलिए, बहुत हो गया, चलिए चलिए। अरे अरे क्या कर रही हो? मिलते हैं बेटा। अरे नहीं नहीं नहीं, माँ और बेटा भी तो 8 साल बाद मिले हैं, अब तो नानी सर के घर पे ही रहेंगी। हाँ वो तो बराबर है, लेकिन मैं भी कई सालों के बाद अपने नानी से मिली हूँ ना, तो मुझे भी तो इनके साथ थोड़ा वक्त गुजारना है। और वैसे भी पहले ये मेरी नानी है और उसके बाद इनकी मम्मी है। चलिए नानी, बहुत हो गया। हाँ चलिए ठीक है बेटा, बहुत मिस किया मैंने आप। इनकी बहुत जमती आपस में। कमाल है सर, मतलब आप दोनों भाई शक्ल से एकदम अपने पिता पर गए हैं, लेकिन अकल से एकदम अपनी माँ पे गए हैं। माँ भी ऐसी है, देखो ना, अभी मुझे गोगुल समझती है। बचपन में भी कंफ्यूज होता था ऐसे। एक ही शक्ल है ना तो कंफ्यूज होता है। माँ माँ होती है। साइकिल खरीदने की औकात नहीं, कैसे खरीदूंगा कार? ये है नेपाल के राज घराने का 9 लाख हार। सर ये आपकी घड़ी है, हार तो इस पाउच में है। सॉरी 9 लाख हार। ये हार कोयल ने अपने अंडों को कौए के घोंसले में छुपाया था। बेश कीमती है ये हार, इसलिए तो हमने 8 साल पहले चुरवाया था। वाह 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 वा। किया है अपने ही घर में टेलीफोन, पड़ोसी ने फोन उठाकर हेलो बोला है। लगता है पुलिस ने इस हार का केस फिर से खोला है। लेकिन लेकिन करना क्या है सर, इस हार का ठिकाने लगाना है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? पुलिस को अगर ये हार हमारे यहाँ मिला तो हमें पकड़ कर ले जाएगी। इससे पहले कि पुलिस आकर छानबीन करके पकड़े हमारा गिरोबा, बुलाओ अंडरवर्ल्ड के सारे डॉन्स को और बेच दो ये हार और चोरी का बाकी सामान। अरे वाह वाह कुछ मिलेगा। वाओ नानी क्या लग रही है तू, बारबी डॉल। लेकिन सोच कितने दिन तक लगेगी। हाँ अरे अगर तुझे ज्यादा दिन तक यहाँ टिकना है ना तो दिमाग चलाना पड़ेगा, वरना ये लोग यहाँ से भगा देंगे तुझे, समझी? वैसे जो मानव है ना वो तो अकल से बॉडम है, उसका तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन जो आदि है उसका दिमाग खूब चलता है, उससे बच के रहना पड़ेगा। नानी उसे तुझे बोतल में उतारना पड़ेगा, समझ गई? वरना हट बेवकूफ, भूल गई नानी हूँ मैं। ए आदि 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 आदि, वो देख तूने पीछे क्या छोड़ दिया। क्या? गुड मॉर्निंग नानी। वेरी गुड मॉर्निंग। आपके लिए फ्रेश मौसमी जूस, ठंडा ठंडा। गुड मॉर्निंग नानी, ये रही आपकी गर्मा गर्म तुलसी और अदरक वाली चाय। वेरी गुड मॉर्निंग। चाय? तू चाय लेकर आया है? चाय? अरे यार इस गर्मी में चाय तो कोई बेवकूफी पिएगा। चाय ला। तूने नानी को बेवकूफ कहा? ओह गॉड। नहीं नहीं मतलब मैं वो नहीं, अरे नानी नानी तो बहुत स्मार्ट है एकदम मेरी तरह। मैं समझ गया आपका ये चाय पीने का लॉजिक, मैं समझ गया। बेसिकली क्या है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे गर्मी गर्मी को काटती है, करेक्ट? उस हिसाब से तुझे हिप्पो काटेगा। आदि बेटा अरे इतना मत हंसा, पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। यहाँ यहाँ मेरे पास इधर, यहाँ मेरे पास, मेरे पास बैठ। ओके हाँ नानी। यहाँ बैठ तू। पता है आदि मैं ना चमकू के बचपन से सोचा करती थी कि जब चमकू बड़ी होगी ना तो उसके लिए तेरे जैसा हसमुख लड़का ही ढूंढूंगी। क्या है ना मेरी चमकू भी चुलबुली है। अब बात करो नानी, आप भी तो बहुत चुलबुली हो, बहुत क्यूट सी हो। ओ नानी हूँ मैं।
करेक्ट है नानी, करेक्ट है। चुलबुला है ये, आधी काफी चुलबुला है। लेकिन नानी ये एक बार जरा शराब पी लेता है ना, उसके बाद आग का बुलबुला हो जाता है, हो जाता है। क्या आदि, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तू शराब पीता है? नहीं नानी। अरे नानी को सच बोल यार, नानी से क्या छुपाना, बता बता नानी को सब बताना। हाँ हाँ आदि, नानी से क्या छुपाना, चमकू के साथ जब तेरी शादी होगी तब अपन दोनों बैठ के दो दो टिकाएंगे ना। नानी हूँ मैं। नानी है ये, नानी। वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन यार आदि, तू अपनी जो ये जुए की महफिल रखता है ना, उसमें नानी को मत बैठा लेना यार, नानी को अच्छा नहीं लगेगा यार, जुआ हुआ ना। क्या क्या, ये मैं क्या सुन रही हूँ आदि, तू जुआ खेलता है? अरे कोई ऐसा वैसा जुआ नहीं नानी, बड़ा वाला जुआ, महाभारत वाला, मतलब ये आओ देखता है ना, ताओ सब कुछ अपना दाव पे लगा देता है। अरे अभी कुछ दिन पहले तो अपना सब कुछ हार के घर पे कच्चे बनियान में आया था ये। हाँ आदि याद है ना। अरे दैया मोरी मैया, आदि बेटा, अरे इसका मतलब आदि की आदत रिस्क उठाने की है। पता है मानव, ऐसे ही आदमी जिंदगी में तरक्की पे तरक्की करते हैं, और ऐसे ही मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों को खुश, बहुत खुश रखते हैं। बहुत बढ़िया। अरे ये क्या, चाय तो खत्म हो गई तेरी, फर्स्ट क्लास चाय बनाई तूने। अब चल चल के दो दो हाथ हो जाए। तो क्या जोश, तो ही चलो, चलो। कुछ ना कुछ तो। क्या हो रहा है यार, हर दाव उल्टा पड़ रहा है, इस तरह तो आदि बाजी मार ले जाएगा और मैं हार जाऊंगा। हार, नानी का हार, किसी तरह नानी का 9 लाख का हार उन्हें लाकर दे देता हूं, फिर नानी चमकू का हाथ मेरे हाथों में दे देगी और ये आदि हाथ मलता रह जाएगा। ये तो मेरी जीप का कान छूट गया है। हाँ। लेकिन इसके ऊपर गिरा क्या? छन्नो, छड्डो, छड्डो, अरे गिर गया, कुछ गिरा होगा, टूट गया होगा, छड्डो, छड्डो। तुम कैसे आ गए भाई इधर? हाँ सर, वो आपसे जरा हार के बारे में जानना था। अच्छा, हार के बारे में? अभी बताता हूँ। मेरे साथ उठक बैठक करो, 10, चलो उठक बैठक। मुझे बस सर, बस रहने दीजिए ना। नहीं बड़ा ना, इसको बोलते हार। अरे सर, ये हार जीत वाली हार के बारे में नहीं जानना था मुझे, मुझे आपकी माताजी का जो हार था चोरी हो गया उसके बारे में जानना था। वो कहाँ मिल सकता है, कुछ आइडिया है क्या आपको? वो कहाँ मिल सकता है, तो एक ही जगह मिल सकता है, जेबी ज्वेलर्स के पास मिलेगा पक्का, 100% उधर ही। इतना पक्का आपको पता है तो आप खुद ही जाके क्यों नहीं ढूंढ लिया सर? भाई अपन खबरी है, अपना काम खबर देने का है क्या? ये बात भी सही है सर, खबर देने का। आपको ये खबर किसने दी? लेकिन बताओ ना सर, नाम। नाम क्या बताऊं, नाम। चलो रहने दो सर, जितने टाइम में आप नाम बताओगे उतने टाइम में तो मैं जेबी ज्वेलर्स के पास जाके पूछताछ भी कर लूंगा। जेबी ज्वेलर को शायरी का बहुत शौक है, ये बात उसी से करता है जो शायरी में बात करता है। यानी कि आज मेरा एक और टैलेंट बहुत काम आने वाला है। हुजूर आला। ये ऊपर वाले, ये काम है ऊपर, जल्दी से गोगोल को यहाँ भेज दे, नहीं तो मेरे को ऊपर बुला ले। मैं हेल्प ही सर। भाई हेल्प तो हमारे मरहूम अब्बा हुजूर नवाब कुलबुला खां किया करते थे।
क्या करते थे यार वो छोड़िए, आप बस हमें इतना बता दीजिए कि आपके ओनर कहाँ पे हैं, उनसे जरा सी गुफ्तगू करनी है। क्या करना है सर? थोड़ी आपके बस की बात नहीं है, आप बस बता दीजिए वो है कहाँ, कर हम लेंगे। जी वो अंदर है। अंदर है? तो हम अंदर जाते हैं। शुक्रिया। भाई एक साथ हम 12 समोसे खा सकते हैं, हुजूर आला क्या हम अंदर आ सकते हैं? वाह वाह क्या बात है, कमाल हो गया। वाह, हिंदी में कहते हैं घिनौना, अंग्रेजी में कहते हैं चीप। आइए आइए बैठिए जनाब, आपकी तारीफ। वाह 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 हुजूर, क्या कमाल का शेर मारा है आपने। वाह जी जी शुक्रिया। वैसे शेर तो हमारे मरूम अब्बा हुजूर नवाब बुलबुले खां मारा करते थे। वो भी शायर थे? नहीं नहीं वो शिकारी थे, और हम हैं उनके साहबजादे नवाब संटी खां। बस एक बार ये हार हाथ लग जाए फिर नानी को पटा के चमकू से शादी रचाएंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.